हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास गडकरी और आज हम जो गाना सीखने वाले हैं बजाने के लिए, गाने के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड इसके ऊपर, वो है बहुत ही प्यारा सा जगजीत सिंह की गजल भी, जिसको कहा जाता है होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मैं एक बार थोड़ा सा पहले गाकर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में बजाते कैसे हैं स्वर टू स्वर नोटेशन के साथ गाकर और बजाकर दिखाऊंगा। आप कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप बजाने भी लगोगे। मैंने कुछ बजाने की कोशिश की, अब देखते हैं, गाकर सुना रहा हूँ आपको और बाद में नोटेशन के साथ रिदम में, सुर में, ताल में बजाने की कोशिश करेंगे, गाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश रहेगी आपको। और आप एक बार ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आना है और आ ही जाना है, फिर बाद में दोबारा जब आप बार बार लगातार देखेंगे तो अर्धी भी पक्का होता जाएगा आपका ये गाना, ये गजल। अमर कर दो बन जाओ गीत मेरे, गीत अमर कर दो होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ। ये जो मुखड़ा है इसमें मैंने ये जो स्वर शुद्ध मध्यम का इस्तेमाल किया है वो
इस गाने की खासियत कह सकते हैं, खूबी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो गाना है इसमें इस्तेमाल होने वाले जो स्वर है वो है मंद्र सप्तक का प ध नी। इतने मंद्र सप्तक के स्वर है, फिर सा रे ग तीव्र मध्यम आएगा प ध नी, ये मध्य सप्तक के स्वर, और फिर सा रे ग, इतने तार सप्तक के स्वर है। लेकिन इसमें बीच में एक बार हम शुद्ध मध्यम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसकी खूबी है और बहुत खूबसूरत लगता है अगर हम ले सकते हैं गाने में या बजाने में। तो वो कैसे होगा? ये बार बार नहीं लेने का, बन जाओ अब इसके जो स्वर है वो क्या है, मैं गा के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ नोटेशन के साथ, स्वरांकन के साथ। गरी गरी सा सारे सा नी सा रे सा गरे सा, गरी गरी सा सा म गरे सा नी सा सारे रे सा गरे सा, गरे गरे सा सारे सा नी सा सारे रे सा गरे सा, गरे गरे सा सा म गरे सा नी सा सारे रे सा गरे सा। तो ये हुआ मुखड़ा। अब मुखड़े के बाद बीच में जो म्यूजिक आता है वो क्या है? फिर से के बाद इमीडिएट जो है वो मुखड़ा के बाद जो अंतरा है वो शुरू होता है। लेकिन इस म्यूजिक के नोटेशन देख लेते हैं, स्वरांकन सुन लेते हैं और बजा भी लेते हैं साथ में। गप नी सा नी ध प ग प प ध, प ध नी ध प ग रे सा रे रे ग, गप नी सा नी ध प ग प प ध, मैंने क्या गाया, ये अंतरा की शुरुआत हुई, वो क्या है? ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, गम म प प म म ध प म ग, गम म प प ग रे सा रे ग। अब इसके बाद एक म्यूजिक आता है जो हमें बजाना रहेगा, वो क्या है? मैं इमीडिएट कांस्टेंट बजा के एक बार दिखा रहा हूं, आप सुन लीजिए। अंतरा, अब इसको क्या करेंगे हम, एक बार मैं गा के दिखा रहा हूँ म्यूजिक के साथ पूरा, बीच में जहाँ म्यूजिक है वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक आएगा, फिर नोटेशन के साथ देखते हैं। ना उम्र की सीमा हो
ना जन्म कहूँ बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म कहूँ बंधन। जब प्यार करे ये जो है इसका नोटेशन देख लेते हैं, वो क्या है? ग म म प प म म ध प म ग, ग म म प प ग रे सा रे ग, प ध ध प ध सा सा ध सा रे रे ग, ग म म प प म म ध प म ग, ग म म प प ग रे सा रे ग, अमर कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक बार सिर्फ पूरा गाना नोटेशन के साथ, स्वरांकन के साथ गाकर बजाने की, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। ठीक है? गरी गरी सा सारे सानी, नीसा सारे रे सा गरे सा, गरी गरी सा सामगरी सानी, नीसा सारे रे सा गरे सा, गपनी सानी ध प ग प प ध, बजा रहा हूँ, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, शांति से समझ लीजिए पूरा गाना सिर्फ एक बार बजा के, फिर बाद में हमारा आज का ये ट्यूटोरियल यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। Thank you.
आप लोगों को पता चला होगा, मजा भी आया होगा और अच्छे से आपने सीखा भी होगा, ऐसी मेरी आशा है, तमन्ना है, और आपको ये पता भी चला होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार और एक नया कोई दूसरा गाना लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय, अस्तु।